फॉर्च्यून के मास्टर शेफ, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं। फॉर्च्यून की 20वीं सालगिरह पे हम चुनिंदा रेसिपीज आपके लिए लेके आए, जो पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ के लेके आए। और ये रेसिपी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये तो मेरे घर के खाने की है, मेरे बेबे की स्पेशल है भाई, यानी कि माय मदर्स फेवरेट। मेरी बेबे जब भी दाल बच जाती थी ना, बड़े इफेक्टिवली यूज करते, अगले दिन सुबह पराठे बना देती थी, या कई बार होलसम चीज बनाने के लिए वो दाल वाले पराठे बनाती थी, खास तौर से चना दाल के पराठे, वो बहुत यम्मी थे। मेरी घर की यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इतनी मजेदार है पूछिए मत। आपने अगर कभी चना दाल पराठा नहीं खाया ना, तो ये रेसिपी आज सीख लीजिए। कैसे बनती मैं आपको बताता हूँ। मेरी बेबी का स्टाइल दो तरीके का था, एक तो बची हुई दाल से बनाना, एक चना दाल उबाल के बनाया। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चना दाल भिगो के रखी, लगभग 2 घंटे तक आपने चना दाल भिगो के रखी है, ठीक है। इसको हम उबाल लेंगे और ये चना दाल में हल्दी डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच, नमक डाल लें स्वाद अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा पानी और डाल लेता हूं और इसको हमें पकाना है कम से कम 10 मिनट तक, ठीक है जी, ताकि ये बढ़िया तरीके से गल जाए। दाल खड़ी रहनी चाहिए, यानी स्टैंडिंग दाल, और वो इतनी मजेदार होती है पूछिए मत। ज्यादातर हम वहीं से खोलते हैं और पराठा खाते हैं। अब 10 मिनट चना दाल पकाने के बाद जब चना दाल सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए बिल्कुल दाने इस तरह से होने चाहिए, ये थोड़े गले हुए होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट, मतलब एकदम सॉफ्ट भी नहीं बट गले हुए, इस तरह से दब दब जाए, मतलब चना दाल तैयार है। एक बोल में पानी को छान लेते हैं। अब जो चना दाल है उसकी टेम्परिंग करेंगे, तब तक ये पानी ठंडा हो जाएगा। टेम्परिंग की तैयारी हमने कर ली बिल्कुल, और हम थोड़ा सा फॉर्च्यून का सनलाइट सनफ्लावर ऑयल यूज करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच, हींग चुटकी भर डाल लेते हैं, अदगर ये भी डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें 3-4 ये डाल लें। पराठे थोड़े करारा ही बनते हैं पंजाबी घरों में, इसलिए मैं भी थोड़ा करारा ही बना रहा हूँ। और ये जो दाल है ये डाल लेते हैं इसमें, और इसमें मसाले डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए, ये सारी चीजें डाल ली, और थोड़ा सा नमक डालें, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा एनर्जी इसमें हमें नहीं चाहिए। मिक्स करें और दाल को थोड़ा सा मॉइस्ट ही रखना आपने। आप क्या कर सकते हैं, ये लेके थोड़ा सा मैश कर लें, दाल हमारी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। अब ये दाल थोड़ी सी मैश्ड है, थोड़ी सी खड़ी है, इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं और कटा हुआ प्याज, ये अपने सौते नहीं करना, ये कच्चा ही डालना। देखिए ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्याज का जो मॉइस्चर है ना वो बहुत बढ़िया रखता है और वो पराठे को सॉफ्ट भी रखता है, ठीक है। मिश्रण तैयार और मिशन पराठा ये भी तैयार। चलिए नेक्स्ट स्टेप, बड़ा सा बोल लेते हैं, इसमें आटा लेते हैं, और मैं फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा ले रहा हूं और ये हम काट के डाल लेते हैं। ये फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा, लगभग 3 कप आटा ले लिया मैंने, और फॉर्च्यून का बेसन 1/2 कप लेते हैं, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं, ये लीजिए, हल्का सा नमक, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा,
आधा छोटा चम्मच, उससे भी थोड़ा कम, ठीक है। और वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बड़ी चतुराई वाली चीज़ है। अब दाल का जो पानी है वो हमने फेंका नहीं, उसी के साथ आटा गूंद लेंगे, है ना, ताकि दाल की जो पौष्टिकता है वो आपको पूरी मिले और पूरा लाभ आपको मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाल उबाली, पानी फेंक दिया और क्या करेंगे आप बताइए। ये अब आटा हमने बढ़िया तरीके से गूंद लिया, ये लीजिए, वाह, पराठे के लिए जैसे गूंदते हैं। और मलमल के गीले कपड़े से ढक के एक 5-10 मिनट तक रख देते हैं, ये लीजिए। तो पराठे की फिलिंग तैयार, पराठे का डो तैयार, अब पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए दोनों चीजें ले लेते, डो एंड फिलिंग दोनों तैयार। पंजाबी स्टाइल वाला पेड़ा लेते हैं और सूखा आटा ले लेते हैं और इसमें फिलिंग की तैयारी करते हैं। इस तरह से आपने साइड्स खींचते जाने हैं और फिलिंग की तैयारी करनी है। ये कुआं सा बना लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग इसमें आए, ठीक है। ये तैयारी कर ली हमने, फिलिंग ले लेते हैं, ये देखिए ढेर सारी फिलिंग, दबा लें इसको। इस तरह से जब दबाते हैं तो बाकायदा फिलिंग ज़्यादा भी जाती है, और सेकेंडली जो पराठा है फटेगा तो चिंता मत करिए, आप सब तरफ से खींच के लाएं, क्योंकि फिलिंग जितनी होगी उतना पराठा खाने में मज़ेदार होगा, वरना पराठा खाने में मज़ेदार नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये अलग बात है कि जब आप बाज़ार से लाते हैं तब आपको फटा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें फिलिंग कम होती है, और फीलिंग तो होती नहीं है, आई एम टेलिंग यू, फीलिंग तो घर के खाने में होती है ना। ये बेल लेते हैं, आइए, और यहां पे मैंने तवा भी रख दिया है। वाह, बचपन में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वो ये चना दाल इस तरह से बाहर आते हैं ना, जब ये पकते हैं तो बड़ा मजा आता है और मैं ढूंढते रहता, और ये पंजाबी स्टाइल का पंजाबी चना दाल पराठा, या क्या बात। तब तक मैं और एक बेल लेता हूं। ये लीजिए पराठा बेल लिया, अब इसको पलट लेते हैं, क्या बात है, बिल्कुल पौष्टिक है, क्योंकि हमने बड़े ध्यान से दाल का पानी इस्तेमाल किया है। अब इसमें मक्खन लगा लेते हैं, ये लीजिए क्या बात है, दूसरे साइड में भी मक्खन लगा लेते हैं। चना दाल पराठा बिल्कुल तैयार है, मैं भी तैयार हूं, ये लीजिए चना दाल पराठा बिल्कुल तैयार, मैं भी तैयार हूं, और ये लीजिए ये निकाल लेते हैं, और परोसने के पहले क्या करना है आपको पता है, ये हटा लेते हैं आपके लिए। परोसने के पहले आपने ये पराठा लेना है, गर्मा गर्म कैसे करेंगे ये आप देखिए, बहुत ही गर्म है, कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। ये पराठा लिया, ये आहा, क्या बात है, और परोसने के लिए ये प्लेट ले ली, और ये इस तरह से करके रख दें, इस पे थोड़ा सा मक्खन डालें यहाँ पे, और बस पराठा तो जी तैयार है, जो किचन में होगा ना वो पराठे बनाते जाएगा और आप लोग खाते जाएंगे। ऐसा ही कुछ करते हैं स्वाद के नाम, 20 साल के इस रिश्ते को सलाम, खाइए बढ़िया चना दाल पराठा, मेरे घर वाला है जी, और बनाता हूं।